हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे सोलर बेस्ड ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें ये सोलर पैनल है, सोलर पैनल का कनेक्शन यहाँ पे दिया है, ये चार्जिंग बता रहा है, इसका आउटपुट इस ओवर चार्जिंग सर्किट को दिया है। ओवर चार्जिंग सर्किट बैटरी अगर ओवर चार्ज होता है तो उसको प्रोटेक्ट कर देगा। उसके बाद ये डीप डिस्चार्ज सर्किट है, डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन सर्किट। इसमें अगर बैटरी डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा तो ये एलईडी इंडिकेट कर देगा और बजर बीप कर देगा। उसके बाद ऑन ऑफ करने के लिए स्विच, और स्विच ऑन करने के बाद ये पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। इसमें हम 8Mega328 माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया है, इससे LCD पे डिस्प्ले कर देगा जो भी फंक्शनलिटी है वो, बजर बीप कर देगा अगर चार्जिंग ख़त्म हो रही है तो। चार्जिंग वोल्टेज सेट करने के लिए ये वेरिएबल रजिस्टर दिया है, इससे हम चार्जिंग इंक्रीज या डिक्रीज वोल्टेज करके सेट कर सकते हैं। और टाइम चार्जिंग का जो है वो इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए और चार्जिंग स्टार्ट करने के लिए ये स्विच है। इसका वर्किंग पूरा हम देखेंगे, थोड़ा सा सोलर को बाजू में रखेंगे। ये व्हीकल टू व्हीलर व्हीकल दिखाने के लिए इसमें चार्जिंग सेल दिए हैं और ये चार्जिंग का सॉकेट। और फोर व्हीलर व्हीकल बताने के लिए ये टॉय कार फोर व्हीलर का, इसमें ये बैटरी लगा हुआ है चार्जिंग के लिए, रिचार्जेबल बैटरी है और इसका चार्जिंग सॉकेट। अभी इसका डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए हम सर्किट को ऑन कर देंगे। पहले सर्किट को ऑन करने के बाद वेलकम सोलर पावर चार्जिंग स्टेशन, सोलर का वोल्टेज कितना है वो बता रहा है और चार्जिंग व्हीकल का चार्जिंग करने के लिए वोल्टेज बता रहा है 11.78 सोलर का वोल्टेज है और चार्जिंग का वोल्टेज 2.43 या 2.44 है। सेट टाइम 0 है, रिमेन टाइम 0 है। अभी हम इसको चार्जिंग करने के लिए थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इस व्हीकल को चार्जिंग करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 5 वोल्ट लगता है, तो इसको मूवमेंट करके हम 5 वोल्ट एडजस्ट कर देंगे। सेट होने के बाद 10 सेकंड चार्जिंग टाइम रखने का है, तो ये अप बटन यानी कि इंक्रीज बटन 2 बार प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद बजर बीप देता है, 10 सेकंड हो गया। और इंक्रीज करना है 20 सेकंड, और 20 सेकंड होने के बाद अगर हम इसको चार्ज करना है या कनेक्ट करना है तो इसको ये चार्जिंग कनेक्टर को डीसी पिन को इसमें लगा देंगे व्हीकल पे और स्टार्ट बटन प्रेस कर देंगे। स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद ये रिमेनिंग टाइम बता रहा है, कितना चार्जिंग टाइम रिमेनिंग है वो बता रहा है, और ये चार्जिंग चालू है ये इंडिकेट कर रहा है। अभी जब टाइम ख़त्म होने को आता है यानी कि 2 सेकंड रिमेन होते हैं, बजर का बीप देता है यानी कि चार्जिंग ख़त्म हो गई है, ऐसा शो करता है। और दूसरा बताएंगे हम, जब बाइसिकल को चार्ज करना हो तो उसके लिए चार्जिंग वोल्टेज कम होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 4 वोल्ट, तो इसको 4 वोल्ट पे सेट कर दिया। और इसका सेट टाइम अगर इसको 0 करना है तो ये 2 बटन एट अ टाइम प्रेस कर देंगे, लॉन्ग बीप देगा और 0 हो जाएगा।
अगर बाइसिकल को चार्जिंग हम 15 सेकंड करना चाहते हैं तो एक दो और तीन, इससे टाइम हो गया 15 सेकंड। अभी इस चार्जिंग पोर्ट को हम यहाँ कनेक्ट कर देंगे और चार्जिंग करने के लिए, चार्जिंग ऑन करने के लिए स्विच प्रेस कर देंगे। ये बता रहा है कि चार्जिंग हो रही है, रिमेन टाइम बता रहा है। टाइम खत्म होने के बाद बजर बीप देता है और बंद कर देता है चार्जिंग। सोलर बेस्ड ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन प्रोजेक्ट का डेमो देख रहे हैं। ये जो चार्जिंग वोल्टेज है वो अगर सोलर सनलाइट में होता है तो इंडिकेट कर देगा, और अगर ये सनलाइट नहीं होता है यानी कि सन ऑफ हो गया तो ये जीरो, यानी कि चार्जिंग नहीं हो रहा है। जब ये सनलाइट इस पर पड़ेगा तो चार्जिंग हो रहा है। मॉस्फेट यूज़ किया है इसको कंट्रोल करने के लिए। उसके बाद डीप डिस्चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट के लिए दो ट्रांजिस्टर और एक एलईडी, डीप डिस्चार्ज डिटेक्ट करने के लिए जिनर डायोड यूज़ किया है जो कि एग्जैक्टली 9 होल्ड के बिलो या 10 होल्ड के बिलो आता है तो बजर बीप कर देगा। और ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट जो बैटरी का रेटिंग है उसके हिसाब से लगाए हुए हैं, 14.4 होल्ड बैटरी का चार्जिंग वोल्टेज है उसके हिसाब से 14.4 होल्ड का जनरेटर डायोड लगा के इसको कंट्रोल किया है ओवर चार्जिंग प्रोटेक्शन सर्किट के लिए। और ये इंडिकेट कर रहा है कि 5 होल्ड अवेलेबल है। माइक्रो कंट्रोलर LCD डिस्प्ले ये 5 होल्ड पे चलता है, इसलिए 7805 रेगुलेटर लगा के इसको सप्लाई दिया है। अभी 8 Mega 328 माइक्रो कंट्रोलर इससे D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13 LCD डिस्प्ले को कनेक्ट किया है, और 3 PWM सिग्नल्स के लिए जो कि आउटपुट जो वोल्टेज देता है चार्जिंग के लिए PWM मेथड से कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए 3 नंबर PWM पिन है। 4, 5, 6, 7 स्विचेस के लिए है और 7 नंबर रिले के लिए। जब हम सेट करते हैं टाइम और चार्जिंग चालू करना हो तो ये स्टार्ट बटन प्रेस करने के बाद ये आउटपुट इनेबल होता है, रिले ऑन होता है और चार्जिंग आउटपुट पोर्ट थ्रू व्हीकल को जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।